आप सबका स्वागत है टेक्नोलॉजी के एक और नए अपडेट में यहाँ पे पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होगा 5G टेक्नोलॉजी क्योंकि यहाँ पे ई सिम डिवाइस जो है स्पेशली बात करी जाए तो ऑल वर्ल्ड की आपको पूरा डिफरेंस दिखाई देने वाला है बहुत जल्दी यहाँ पे अभी हम बात करें ई सिम हमें मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन में ही देखने के लिए मिलती है और उसे किस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है स्पेशली फाइव जी के लिए यहाँ पे बात करी जाए तो 2023 करंटली स्थिति देखें तो दो करोड़ बीस लाख डिवाइस ही हमें देखने के लिए मिलते हैं उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो होता है वो फाइव मोबाइल फ़ोन का होता है या हम बात करें फोर मोबाइल फ़ोन का जो कि ई सिम सपोर्ट करते हैं लेकिन बात की जाए तो मात्र दो सत्ताईस तक जो कि एक बहुत लंबा टाइम नहीं है कि अराउंड आपको चार साल में कितना बड़ा बिग डिफरेंस दिखाई देने वाला है 19 करोड़ 50 लाख डिवाइस तक ये पहुंच जाएंगे और किस तरीके से पहुंचेंगे इसी वजह से आपने देखा होगा इंडिया में स्पेशली बात की जाए तो एयरटेल 5G की बात करें या जियो ट्रू फाइव नेटवर्क की बात करें तो फाइव जी जो मेनली इफ़ेक्ट दिया जा रहा है वो इसी वजह से दिया जा रहा है क्योंकि कुछ एरियों में बात की जाए तो डेंस पॉपुलेशन में स्पेशली जो इंटरनेट स्पीड है वो बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है और उसे किस तरीके से हाई स्पीड में चेंज करा जाए तो 5G के अलावा अभी कोई और दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता और ये जो रिवेन्यू है उसको देख के स्पेशली हर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर निगाह लगाया हुआ है कि हाँ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है जो हम साइज़ की बात करें अभी अराउंड आपको 2023 में ये मात्र तो 470 करोड़ के करीब देखने के लिए मिलता है और आने वाले टाइम में जो ये राइज करने वाला है दो तक ये सोलह करोड़ तक राइज करने वाला है और जो रीज़न है वो यही है कि ज़्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन में और घनी आबादी में आपको हाई स्पीड इंटरनेट डेट 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लगता है क्या ई e सिम को किस तरीके से एक नए अपडेट के रूप में लेके आया जाएगा जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करें ई e सिम जैसे कि जी की बात करें यहाँ पे जो कि स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है कि रिमोटली जो ई e सिम है वो हर किसी डिवाइस के लिए जो भी सर्कुलर डिवाइस हैं यहाँ पे बात करी जाए तो कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट बाया टेलीकॉम ऑपरेटर तो वहाँ पे उसकी स्पेसिफ़िकेशन जो है वो जी रेडी करेगा और अब आपको बहुत जल्दी नए नए डिवाइसों में देखने के लिए मिलेगी जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा टाइम से आपको सुनने को मिल रहा है कि हाँ डिजिटल स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर आ रहा है डैट मीन्स ये है कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे वो आपके मोबाइल पे बाय एप्लीकेशन शो ऑफ करेगा एक तरीके का प्रीपेड मीटर होगा जिसे आप पे कर सकते हैं एडवांस में और जितना पे करेंगे उतनी ही चलेगी लेकिन ये तो एक मीटर तक सीमित हो गया लेकिन इंडिया में बात की जाए तो मीटर की संख्या भी करोड़ों में पहुँच जाती है ऊपर से आने वाले टाइम में आई डिवाइस जैसे कि अभी जैसे कि मैं बात करूँ ये इंटरनेट ऑफ थिंग पे वर्क करता है लेकिन इसे जो मेनली यूज़ करना होता है या तो आपको पास ब्रॉडबैंड हो या आपके पास कोई हॉट स्पॉट हो तभी आप इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आने वाले टाइम में जैसे कि स्मार्ट वॉच की बात करें आपको अभी क्या एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम फिज़िकल सिम डाल सकते हैं लेकिन अब जो मेनली वर्क किया जा रहा है वो करा जा रहा है आईओटी डिवाइस दैट मीन्स ई सिम के ऊपर जो कि डिवाइसों के अंदर लग के आएगी तो वहाँ पे आप पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन फ्री हो जाएंगे जहाँ पे हम बात करें कि आपको डिवाइस के अंदर ही सिम लगी हुई मिलेगी बस आपको जाना है और इससे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू बढ़ेगा वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों का बढ़ेगा आप जिसका भी सिम लेते हैं तो उसका एक एक मिनिमम चार्ज है जो कि आप पे करते हैं सर्विस यूज़ करने के लिए तो मतलब यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज होने वाले हैं और साथ में बात करी जाए तो जो इंटरनेट का डेटा है वो और ज़्यादा हाई स्पीड से डिमांड में ख़त्म होने वाला है और साथ में जो आपकी कनेक्टिविटी है वो बहुत जल्दी और ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाली है लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ कैमरे तक या हम बात करें स्मार्ट मीटर तक रुकने वाली चीज़ नहीं है जैसे कि बात करी जाए तो कार के अंदर इनबिल्ट बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलते अब अपने मोबाइल से मैक्सिमम पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैकिंग कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कार कहाँ कहाँ गई थी और पूरे महीने में कितनी चली थी और कहाँ पे मैं मैक्सिमम पार्ट गया हूँ और उसे किस तरीके से कंट्रोल करा जाए तो ये विदाउट स्मार्ट थिंग के पॉसिबल नहीं है और किस तरीके से आप इस पर वर्क कर सकते हैं और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये आपके दरवाजे के हैंडल से ले कर के जूते तक आई डिवाइस बहुत जल्दी आने वाले और इसके लिए चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट जो कि एयरटेल एंड जियो इंडिया में स्पेशली बात करी जाए तो मेन फोकस करे हुए हैं क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या बिल्कुल रॉकेट होने वाली है और जो फाइव टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत भारी बर्डन पड़ने वाला है विथ ए ग्रेट रिवेन्यू के साथ तो इसलिए यहाँ पे बात करी जाए तो ई सिम का यूज़ अब मोबाइलों के अलावा और डिवाइसों में भी आने वाला है जो कि प्रोडक्शन ऑलरेडी रनिंग में है तो आने वाले टाइम में हम और वीडियो लेके आएंगे रिलेटेड टू आई डिवाइस की कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज हो रहे हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद